सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से और टूडे में। आज हम डिस्कस करने वाले इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड से स्टॉक में आज के दिन 60 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 1% के करीबन का अपसाइड मूव दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। सबसे पहले स्टॉक के टेक्निकल्स पर ध्यान दे तो स्टॉक के रिटर्न्स पीछे के एक सप्ताह के अंदर 5.5% की गिरावट देखने को मिली है, परंतु एक महीने में 1.5% की तेजी, 3 महीने में 18%, 6 महीने में 22% और 1 साल के अंदर 0.5% के करीबन की गिरावट देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म में तो इस स्टॉक में एक नेगेटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, परंतु पीछे के 6 महीने से स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में 54 रुपीज का हाई बन चुका है। 54 रुपीज के स्टॉक ने एक हाई लगाया, ऊपरी लेवल पर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रही है। स्टॉक का नीचे का एक बड़ा सपोर्ट लेवल है 45 रुपीज का। 45 रुपीज के स्टॉक में नीचे एक डिमांड जोन देखने को मिलता है जहां से लगातार स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी आती हुई नजर आती है और ऊपर स्टॉक में एक रुकावट रेंज है 54 रुपीज। स्टॉक काफी टाइम से एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, तो अगर आप इस स्टॉक में एक पोजीशन बनाना चाहते हो तो स्टॉक 47 रुपीज के प्राइस से स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नजर आया, तो आप 47 रुपीज के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 55 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। जब तक स्टॉक 47 रुपीज से ऊपर रहता है स्टॉक में एक अपसाइड मूव बनता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।